दर्शकों हाय, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी कमाल की तनिष्क ऑन इंस्टाग्राम एंड टिपिकल इंडियन वुमेन ऑन यूट्यूब, क्योंकि मैं हूँ दिल से भारतीय। और जैसा कि आज है सेल्फ सरेंडर डे 3rd, मंडे को इसलिए नहीं पोस्ट किया क्योंकि मेरा पेट ख़राब हो गया था दोस्तों गर्मी में चिकन पकौड़े खाने की वजह से। आप लोग भी मत खाइए। और आज डे 3rd के लिए हम लोग स्ट्रेच करेंगे लेग और हैंड्स और अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वील स्टार्ट विद द पाम स्ट्रेचिंग। पिक्चर में जैसे मैं कर रही हूँ बस एज इट इज़ करो, ज़्यादा दिमाग मत चलाना, एकदम से ही प्रो प्रोफेशनल बनने की कोशिश मत करना क्योंकि ये मुमकिन नहीं है। शुरू के 3 स्ट्रेच। अपने घड़ी को उतार देती हूँ, टूट जाएगी ये घड़ी। मैंने कहाँ से ली है किसी ने पूछा नहीं तो मैंने बताना नहीं है। पानी का एक घूंट ज़रूर ले लो। अच्छा, आज आई होप कि मैंने कैमरे को सही फिक्स किया हो, जैसा कि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि कैमरा टेढ़ा मेढ़ा रख देती है। और वैसे ही मैं शूट कर रही हूँ अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स से। बहुत जल्द मैं अपने कैमरे से शूट करूँगी, स्टैंड मंगा लिया है। वील स्टार्ट विद द रिस्ट स्ट्रेचिंग। सीधा उल्टा दोनों करके देख लो। अच्छा, रिस्ट को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि सारा का सारा वज़न या तो रिस्ट पे पड़ता है या तो पैरों के टो पे पड़ता है। याद रखना, इस इन दो चीज़ों को ज़रूर स्ट्रेच करना है, कुछ भी करने से पहले, जिम जाने से भी पहले। दूसरा स्ट्रेच। अब ये मैं पाम स्ट्रेच नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपने अंडर आर्म्स को खोल रही हूँ। जितना ज़्यादा फैला सकते हो फैला लो। इसे अंडर आर्म्स और अंडर शोल्डर की ओपनिंग भी बोलते हैं। इसको कई तरीके से करते हैं पर आज ज़्यादा प्रो परफेक्शनिस्ट ना बनके हम एक ही तरीके से करेंगे। अच्छा, इसे कहते हैं अंडर टो स्ट्रेचिंग। इसको ज़रूर करना है उसके साथ में। चलो अब हम करेंगे फर्स्ट चैलेंज। ये सुनो, दिखने में डिफ़िकल्ट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इजी है। अपने दोनों स्ट्रेच को, अपने पाम स्ट्रेच और टो स्ट्रेच को अच्छे से करो। जितना हो सकता है उतना ही करना, एकदम से प्रो परफेक्शनिस्ट मत बनना, लचक आ जाएगी कमर में। ओके, आपसे जितना हो पाएगा हम उतना ही करेंगे। जितना उठ सकते हो उतना ही उठना, नहीं उठ सकते हो तो अपने सर को ज़मीन पे लगा के रखो और बस इतना ही करना। कमेंट में मुझे इंस्टाग्राम पे लोगों ने कहा था कि उन्हें मेरी क्रीपी वॉक देखनी है, जो इसका नेक्स्ट स्टेप है। तो ये ढंग से कर लिया तो अगले ट्यूटोरियल में उसे भी सिखा दूंगी। वापस से अपने टोस को स्ट्रेच करना है नाइसली, ऊपर की तरफ देखते हुए दोनों टांगों के बीच में हाथ डाल के जोर से खींचना है। ओपन हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है ये, इससे आपकी इनर हैमस्ट्रिंग खुलेगी दोनों पैरों की, बहुत ज़रूरी है। सुबह भी करो शाम को भी करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है दिन में एक ही बार करना है, हफ्ते में 2 बार करना है, दैट्स इट, डन फॉर द डे। और कुछ नहीं कर, अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो बस मेरे साथ फॉलो करो, जितना मैं कर रही हूँ उतना करो। सेतु बंद ब्रीदिंग इसे कहते हैं। 4 बार ऊपर नीचे करने के बाद अपने हाथों से अपने एंकल को पकड़ लो, अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा अंदर ले जाओ और ब्रीद इन ब्रीद आउट करो। होल्ड करो इसे फॉर अ मोमेंट। 3, 2, 1, स्लोली कम डाउन, नॉट लाइक मी, आई एम अ प्रो, यो ब्रो। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एंकल रोटेट कर रही हूँ मैं ऊपर की तरफ से, आप नीचे की तरफ से भी कर सकते हो, बैठ के भी कर सकते हो। एक स्मॉल किक करेंगे अपने आप को। I would like to repeat, do not try to be pro perfectionist in day 3. It's not possible. 7th day हम इसको cleanly, smoothly कर लेंगे। आपसे जितना उठता है आप उतना ही उठाएंगे, ठीक है। Slowly slowly करके अपनी टांगों को वापस लेके आएंगे और जब भी एक पॉइंट पे पहुंच जाए तो we'll sit back and relax for a while. थ्री टू वन। अब ज़रूरी है लेग्स की स्ट्रेचिंग को करना, जो हम थोड़ी सी तो डे 1 और डे 2 पे कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आपकी हेल्प करूँगी कि डे 7 को परफेक्ट कैसे बनाना है। तो जिस हाइट का भी आपके पास ब्लॉक है, बॉटल है, उसे आप लेकर आइए। डेमो के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ, वील यूज़ दिस बॉटल। इस पर आपको सहारा लेना है,
अब देखो कैसे, बस इतना होता है, इतना ही करो। अच्छा, सहारा लेके बहुत इजीली स्ट्रेच खुलती है, पीछे करके दिखा रही हूँ। इतना होता है, इतना करो, ठीक है? मुझसे इतना होता है, मैं इतना करूँगी। विल डू विद बोथ द लेग्स सेम एक्सरसाइज एंड सेम स्ट्रेच। अगर ऐसे करके दिख रहा है तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं घूम जाती हूँ। यह आई एम वेरी कोऑपरेटिव। ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, ईंट यूज़ कर सकते हैं, बॉटल तो सबके यहाँ होते हैं यार, कर लो, नहीं तो ईंट यूज़ कर लो। हाथ रखेंगे, जितना नीचे झुक सकते हो उतना ही झुकना है। पीछे करके दिखाती हूँ एक बार, अगर नहीं दिख रहा है तो। यस, मैं पूरा झुक सकती हूँ तो। अच्छा, अब दोनों पैरों के बीच में इस बॉटल को रखेंगे और सर का सपोर्ट लेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे अपने सर को। जितना होता है बस उतना ही। अब धीरे धीरे करके उस ब्लॉक को आगे करते रहो, बस इससे आगे नहीं जाना है। विद द ब्लॉक, जब ये तीनों कर लोगे आप, आज ही करना है आप सबको मेरे साथ में, इसीलिए मैंने ये गैप कर करके ये रिलीज़ की है सीरीज़, ताकि आप लोग इस एक्सरसाइज को करने में टाइम ले लें। सपोज़ मैंने आज आपके साथ किया है, आप इसको अब मेरे अगले एपिसोड आने तक इसमें प्रो हो जाएंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, इट्स वेरी इजी। चलिए, अब बहुत ज़रूरी है डाउनवर्ड डॉग और चाइल्ड पोज को समझना। मेरे किसी भी एपिसोड का बेस है ये चाइल्ड पोज, जिसको एक, दो और तीन इस तरीके से समझा जाता है। ये बुनियाद होता है डाउनवर्ड डॉग की, अधोमुखासना आसना की बुनियाद है चाइल्ड पोज। टो को टक करेंगे और खड़े हो जाएंगे। ये दो आपको आने बहुत ज़रूरी हैं मेरे किसी भी एपिसोड को पूरी तरीके से फॉलो करने के लिए। ये दो आप ज़रूर करेंगे। स्लोली स्लोली आप वेरिएशन कर सकते हैं डाउनवर्ड डॉग के, हिंदी में कहते हैं अधोमुखासना आसना। पैडलिंग कर सकते हैं, वी बना सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं पैरों को। जैसे ही ये कंप्लीट होता है एक बार फिर से चाइल्ड पोज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली वेन एवर यू आर फॉलोइंग एनी ऑफ माई एपिसोड। दीज टू आर द बेस ऑफ माई एक्सरसाइज। हे गाइज, वी आर डन विद द स्ट्रेचिंग। इसको आप मेरे अगले एपिसोड के रिलीज होने तक रोज करना, ट्रस्ट मी, आप जब मेरा अगला एपिसोड रिलीज होगा तब तक आप रेडी हो जाएंगे। गाइस, मैं हूँ आपकी अपनी प्यारी कमाल की तनिष्क। आप अक्सर सोचते होंगे कि वीडियो में एक्ट करते वक्त मैं बोलती क्यों नहीं हूँ। इस वजह से, क्योंकि मेरे घर में कूलर, पंखा, बगल में मोटर, पीछे ड्रिल की मशीन, ये सब चलता रहता है, और हो सकता है आपकी मेरी बात अच्छे से ना हो। तो चलिए, वक्त को जाया ना करते हुए, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो जरूर सब्सक्राइब करना। और अगले डे 4 जो रहेगा सेल्फ सरेंडर सीरीज का, वो हम सुबह शूट करने वाले।